मेरी तरफ से आप सबको खुशी में सलाम। हमारी ज़िंदगी में खुदावन ने बहुत बड़ा मौजज़ा किया है कि दोनों बच्चों को पता नहीं किसकी बहुत बुरी नज़र लग रही थी, दोनों बच्चों को डेंगू हो गया था। तो ये बच्ची जो है ये तकरीबन दो दिन बहुत अजियत में रही है तो हम नर्सिंग फील्ड से, लेकिन हमें पता नहीं चला कि बच्ची को क्या हो रहा है क्या नहीं। बुखार चढ़ रहा था, उतर रहा था, फिर इसको सांस लेने में प्रॉब्लम थी। मैं और मेरी वाइफ हम लोग तीन दिन वैसे ही डॉक्टर्स के पास भागते रहे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। टेस्ट वगैरह भी करवाते रहे लेकिन उसमें डेंगू जो है ना नहीं पॉजिटिव आया। फिर तीन दिन के बाद हम लोगों ने टेस्ट करवाया तो उसमें डेंगू पॉजिटिव आया। तीन घंटे हम लोग सिंध गवर्नमेंट में ये डॉक्टर चुरंगी पे है, तीन घंटे हम लोग डॉक्टर का इंतज़ार करते रहे लेकिन डॉक्टर नहीं मिला। एंड पे आकर मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया, मैंने अपनी वाइफ को कहा, मैंने बोला चलो तो हम लोग कहीं और जाते। तो वाइफ मेरी जहाँ ड्यूटी करती वहाँ गए तो डॉक्टर्स ने बच्ची को देखा, उन्होंने कहा बच्ची की कंडीशन बहुत ख़राब है, आप इसको जल्दी से जल्दी कहीं पीड़ित आईसीयू में ले जाएं, इसको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसका लीवर बड़ा आया है, तो इसका लीवर बड़ा है, इसका डेंगू पॉजिटिव आया, इसके वाइट सेल जो है ना तेज़ी से गिरना शुरू हो रहे हैं। तो कुछ समझ नहीं था आ रहा, मैंने अपनी बच्ची को पकड़ा और मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो खुदा ने फिर मुझे हिम्मत दी, हम लोग हॉस्पिटल गए, वहाँ भी कुछ अच्छा सेटअप नहीं था। छः घंटे मेरी बच्ची तकलीफ में रही है, उसके बाद छः घंटे के बाद थी हॉस्पिटल में, किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं थी मिल रही। तो फिर इसका मामू है बड़ा, उसने कहीं से अरेंज करके सेम्ब्रोज हॉस्पिटल में जगह दिलवाई। तो वहाँ डॉक्टर्स ने देखा, उन्होंने कहा भाई बच्ची आपकी बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको आईसीयू में रखना पड़ेगा, हो सकता है इसको वेंट पे भी डालना पड़े। उन्होंने कहा था दो दिन में अगर बच्ची ठीक होगी तो ठीक है, वरना वेंट पे डालना पड़ेगा। तो मैंने भाई पापा जी से भी दुआ करवाई, खुद भी मैं रोज़े में था उस टाइम, तकरीबन 24 घंटे का रोज़ा हो चुका था उस टाइम। तो पापा जी से भी दुआ करवाई और भी काफ़ी दुआएं करवाते रहे, खुद भी दुआ करते रहे। खुदावंद से यही कहा था कि बस मेरी बच्ची जो है ना बच जाए। तो खुदावंद की तरफ से मौजा हुआ, बच्ची 12 घंटे के अंदर आईसीयू से बाहर आ गई। डॉक्टर्स भी कहने लगे कि बच्ची खुदावंद का शुक्र है कि इतनी एक्टिव है, इसने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है, हमें इतना पता नहीं था कि बच्ची बाहर आ जाएगी, लेकिन 12 घंटे के अंदर अंदर बच्ची आईसीयू से बाहर आ गई है। तो फिर हम लोगों ने बोला कि हमारी बच्ची जो है ना, मेरी बच्ची बिल्कुल हंसना खेलना बंद हो गया था। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला पापा जी से भी दुआ करवाई, अचानक ही पापा का नंबर बंद होता है अक्सर, उस दिन अचानक ही मैंने बोला यार ट्राई करके देखता हूँ, पापा जी का नंबर लग गया मैं दुआ करवाता हूँ। तो अचानक ही मैंने कॉल की तो पापा जी का नंबर ऑन और मेरी बात हो गई। तो पापा जी से दुआ करवाई, फिर मैं, मेरी मामा, मेरी वाइफ बैठे हुए थे, बड़े भाई बैठे हुए थे। तो मैं खुदा से रो रो के दुआ कर रहा था कि खुदा मुझे मेरी पुरानी ले आना चाहिए, सबके साथ हंसती है खेलती है, सोती उठती है तो खेलती है। तो तीन घंटे के बाद मेरी बच्ची ने मेरे साथ मुस्करा कर खेला, मुस्करा कर खेलने लगे। गाँव के नाम में इतनी ताकत है कि बच्ची दो तीन दिन से हंसना खेलना इसने बंद कर दिया था, बिल्कुल डिहाइड्रेशन में चली गई थी, लेकिन तीन घंटे के अंदर अंदर मेरी बच्ची ने उसको रोना शुरू कर दिया। उसके बाद शुक्र है खुदा का आपके सामने, खुदा हमने बहुत बड़ा काम किया। ये भी बेटा है, मेरा भतीजा है, इनकी भी गवाही है, ये भाई आप सबको सुना। लास्ट फ्राइडे जो है ना लेट नाइट बेटे को फीवर हुआ है 102, और फीवर फिर हमने पैनाडोल दिया, सब कुछ किया, पकाया, नापा होता बच्चों का वो दिया, स्पंजिंग की वो जो पट्टिए करते हैं बच्चों को वो भी की, बच्चे को बुखार ही नीचे नहीं आ रहा। फिर पापा जी को कॉल की, पापा जी से प्रे करवाई तो बुखार कम हुआ, तो तकरीबन 4 बजे फिर बुखार चढ़ गया, फिर दोबारा हमने वही ट्रीटमेंट किया, बुखार नीचे नहीं आया, थोड़ा सा कम हुआ था। तो सुबह हुई तो फिर हम सब लोगों ने भी घर में भी बहुत ज़्यादा दुआ की, पापा जी से भी प्रे करवाते रहे बुखार करके। तो दो दिन गुजरने के बाद जो ना बेटे को फिर बुखार हो गया, फिर भाई जी शान लेके गए अम्मी के साथ, इसके सीपीसी करवाए तो उसमें प्लेटलेट्स जो है ना 40,000 आए, एक खुली होते हैं खून के अंदर सफ़ेद,
जो खून को जमाते हैं, अगर वो कम हो जाए तो बंदे की ब्लीडिंग शुरू हो जाती है नाक मुँह से। तो 40,000 रह गए, वो 1.5 लाख से लेके 4 लाख तक होते हैं। तो ये हम लोग फिर वहाँ से जो है ना अब्बासी चले गए, बच्चों का चिल्ड्रन हॉस्पिटल नया खुला वहाँ पे, अब्बासी में एक सेंटर है, वहाँ गए। वहाँ पे उन्होंने कहा इसको डेंगू नहीं है, तो बच्चा बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा पॉजिटिव आई है जो है ना रिपोर्ट इसकी, उन्होंने कहा इसको वहाँ लेके जाएँ, न्यूबलाइज करवाएं। मास्क लिया, ऐसे लेके खड़ा हूँ, अचानक जो है ना ये ढीला होता जा रहा, हाथ से निकलता गया, बिल्कुल एकदम बेहोश हो गया। मैं इसको पकड़ रहा हूँ, मैंने कहा बैम नहीं उठ रहा, सांस तक इसकी बंद हो गई है, बेड पर उन्होंने डाला, मैं उसको मार रहा हूँ सीने में, कह रहा हूँ बैमन उठो बैमन उठो, ये होश ही नहीं कर रहा। फिर वो कह रहे आई सी यू में ले आओ, आई सी यू में ले गए। तो दोबारा उन्होंने टेस्ट करवाए तो प्लेटलेट जो है ना बिल्कुल गिर चुके थे नीचे, 7,000 पे आ गए थे, 1.5 लाख 4 लाख होने चाहिए, 7,000 पे आ गए थे। लेकिन खुदावन ने फिर भी अपना बहुत कर्म किया, मामू आए थे यहाँ पे और पापा जी से उस टाइम प्रे करवाई, रात में अब्बासी में थे हम लोग, तो ये फ़ोन भी नहीं रखने दे रहा था, पता नहीं क्या ऐसा मसला था कि प्रे होती थी तो ये रोता था, बहुत रोता था और फ़ोन करीब आने ही नहीं दे रहा था। तो प्रे करवाई, फिर हम उन्होंने कहा कि भाई 2 घंटे के अंदर अंदर 3 बोतलें ब्लड अरेंज करें प्लेटलेट्स की, वरना हम कुछ भी नहीं कह सकते, बच्चे को कुछ भी हो सकता है, कंडीशन बहुत ज़्यादा डेंजरस है। भाई को कॉल की भाई कलंटिया चौपड़ा, उन्होंने कहा भाई फटाफट कहीं से ना अरेंज करें प्लेटलेट्स का, उनका सैंपल ले गया। तो वहाँ से गया कलंटिया चौक, वहाँ से हम लोगों ने, मैंने ब्लड दिया, भाई ने दिया, भाई ने बीन दुआते तबला बजाने, वो भी उन्होंने भी ब्लड दिया। फिर उन्होंने हमें वाइट सेल की बोतल दी, भाई फटाफट गए फौरन वहाँ पे लगाया। तो हम लोग फिर 5 बजे वहाँ से शमरोज हॉस्पिटल गए, वहाँ से उन्होंने कहा बच्चे की हालत सीरियस है, हमें आईसीयू में रखना पड़ेगा। उन्होंने आईसीयू में रखा था, ऑक्सीजन वगैरह लगाई हुई थी, और फिर उन्होंने कहा चेस्ट इन्फेक्शन भी हो गया बच्चे को और बिल्कुल रंग जो है ना पीला पड़ गया था। तो उसके बाद जो है ना CBC करवाया तो 56 जो है ना थाउजेंड आए, 56,000 प्लेटलेट्स हो गए। फिर दूसरे दिन उन्होंने करवाया, फिर गिर गए 32,000 हो गए। फिर पापा जी से प्रे करवाई फहीम भाई के थ्रू, अक्सर नंबर नहीं मिलता ना, फहीम भाई से प्रे करवाई, फिर खुद भी करते रहे। तो फिर उन्होंने कहा पपीते के पानी भी लाए इसको, फिर तो पानी भी पिलाते रहे, काफ़ी जो है ना प्रे भी करते रहे। तो कुरान के फजल से फिर दूसरे दिन डॉक्टर ने कहा 53,000 हो गए। 2 दिन आईसीयू में रहने के बाद जो फिर वार्ड में शिफ्ट किया उन्होंने, तो फिर जो है ना फिर दुआएं और की, काफ़ी लोगों ने भी की, पास्टरों ने भी की, पापा जी ने भी की। तो फिर उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि भाई 1 लाख जो है ना और पड़ गए, 1.5 लाख हो गए बच्चे के पास। खुदावंद ने ये केस को मौत के मुंह से निकाला। चाचा भी ताली बहुत इबादत करते हैं, कितना प्यार करता है और हमेशा साथ रहता है। हालेलुया हालेलुया। आए हम अपने कदम पर।